अपने नेक्स्ट टॉपिक की करेंगे और बात करेंगे कॉफी विद करण. 8 सीजन शुरू होने वाला है कॉफी विद करण का, और उसका प्रोमो जो है वो रिवील कर दिया गया है, जिसमें आपको दीपिका पादुकोण और उनके जो हस्बैंड रणवीर सिंह वो दिखाई देंगे, और दोनों ही एक दूसरे का सीक्रेट जो है वो शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. बहुत ही अच्छा प्रोमो, बहुत ही मजाकिया प्रोमो, और काफी लोग एक्साइट हैं उस एपिसोड को देखने के लिए जिसमें दीपिका और रणवीर सिंह आपको नजर आएंगे. ऑनलाइन इसका अगर प्रोमो की बात करें वो लीक हो गया है. इसके पहले एपिसोड में बॉलीवुड के फेमस कपल रणवीर और दीपिका साथ नजर आने वाले हैं, इस लीक हुए प्रोमो में साफ पता चल रहा है. और चैट शो का ये 8वां सीजन जल्द शुरू होने वाला है. इसका पहला एपिसोड डिज्नी हॉटस्टार पर 26 अक्टूबर को प्रीमियर होगा, और काफी इंतजार है इस प्रोमो के लीक करने की बात करें, लीक हो जाने की बात करें, रिवील करने की बात करें, तो उसके बाद जिस तरह से प्रोमो आया है जिसमें जो खटपट देखने को मिली है, जो एक कॉमेडी अंदाज देखने को मिला है, और जो सीक्रेट है जिस तरह से रिवील किया गया है वो, तो फैंस काफी एक्साइटेड है देखने के लिए. और प्रोमो में आपको तीनों ब्लैक आउटफिट में नजर आ रहे हैं, और करण अपने शो में कपल को बॉलीवुड रॉयल्टी बताकर वेलकम करते हैं. और इसके बाद करण और दीपिका को कॉम्प्लीमेंट भी देते हुए स्मोकिंग हॉट बुलाते हैं. इसके जवाब में रणवीर करण से कहते हैं थैंक्स डेफिनेट अंकल. यहाँ पे रणवीर सिंह अंकल कहते हुए, भाई आप उनकी वाइफ की तारीफ कर रहे हैं तो आपको कुछ सुनना ही पड़ेगा. प्रोमो में आगे करण कपिल से पूछते हैं कि क्या 2015 में सीक्रेट एंगेजमेंट कर चुके थे. इस पर रणवीर हामी भरते हैं और कहते हैं कि वो दीपिका को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते थे. इस पर दीपिका ने कहा कि इन्होंने एडवांस बुकिंग पहले ही कर ली थी. और खैर चर्चा ये भी है कि करण के शो में दीपिका अपनी शादी के कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल शो कर सकते हैं. कपिल ने 2018 में इटली के लेक कोमो में शादी की थी. इस शादी में कपल के करीब दोस्त और परिवार वाले ही शादी में शामिल हुए थे. दोनों ने अपनी शादी के कई फोटोज जो है इंस्टाग्राम और तमाम वीडियोज शेयर नहीं किए थे, और कुछ एक दो ही फोटोज जो है सामने आए थे. और पहली बार है जब कॉफी विद करण में दीपिका और रणवीर एक साथ नजर आने वाले हैं, और इससे पहले अगर बात करें तो अलग अलग एपिसोड्स में नजर आ चुके हैं दीपिका आलिया भट्ट के साथ, और अगर हम शायद बात करें शाहिद कपूर के साथ रणवीर सिंह नजर आए थे. अलग अलग एपिसोड में दोनों ही नजर आए थे, लेकिन अब इस बार कॉफी विद करण के 8वें सीजन में आपको नजर आएंगे दीपिका और रणवीर दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में नजर आएंगे, और कुछ एक्सक्लूसिव मोस्ट एक्सक्लूसिव बातें कर ले, जो अंदर की बातें हैं वो आपको शेयर करेंगे. शादी से पहले शादी के बाद क्या पूरा सीन रहा है वो आपको सुनने को मिलेगा. जिस तरह से ये प्रोमो रिलीज हुआ है कहीं ना कहीं फैंस के पेट में गुदगुदी हो गई है कि जो उनके अगर हम अच्छे कपल की बात कर ले, उनके लवली कपल की बात कर ले, तो उनकी कुछ बातें आपके सामने आने वाली हैं. और वहीं अगर हम बात करें कि जब करण ने दीपिका से पूछा कि रणवीर के अलावा उनकी केमिस्ट्री किस एक्टर के साथ जमती है, तो दीपिका ने आंसर दिया कि ऋतिक रोशन का नाम लिया उन्होंने, और कहा कि ऋतिक के साथ एक्शन फिल्म फाइट में पहली बार हालांकि वो नजर आने वाली हैं, और उन्होंने कहा कि एक अच्छा जो केमिस्ट्री की बात कर ले तो वो कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन के साथ उनको करना पसंद होगा. और अगर हम फाइटर की बात कर ले तो फाइटर में पहली बार आपको ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी नजर आएगी, और ये जोड़ी कहीं ना कहीं बेहद दमदार होने वाली है. 25 जनवरी को ये फिल्म रिलीज होगी. हालांकि फिल्म के रिलीज का भी इंतजार रहेगा, और कॉफी विद करण के इस एपिसोड का भी इंतजार रहेगा जिसमें दीपिका और रणवीर साथ दिखने वाले हैं. देखते हैं किस तरह से दोनों की जो नोक झोंक है वो हमें नजर आती है, और किस तरह से ये एपिसोड हमें और आपको एंटरटेन करता है.